बंधुगण दांतर कष्ट तुरंत एक मिनिट भीतर ठीक करने आज मु आपण सहित एक चमत्कारी घर उपचार सेयार करुछि। जो मानकर दांतरे ब्याक्टेरिया उत्पन्न होती किंबा माड़ी जनित कौन से समस्या अच्छी पायरिया भली समस्या अच्छी से मानी उपचार बहुत अधिक लाभदायक अटे। जदि दांतरे कष्ट तेबे आपण को तुरंत फायदा मिलिबो एवं जदि आपणकर पायरिया एवं पाटी संबंधित अन्य कौन से समस्या अच्छी तेबे आपण को यह तीन रु चार दिन व्यवहार करने को पड़ब। आज मु आपण को तीन प्रकार रिमेडी बनाइबा सिखाइबी। कौन सी रिमेडी प्रयोग कर आपण ही समस्त समस्या को दूर करें। तेब चलतु जाणी आज रिमेडी विषय से वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखु। ता पूर्व यह वीडियो को गोटे लाइक करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करूँ। एथिपाई आपण को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे लवंग। लवंग दांतर कष्ट एवं दांत जनित समस्त समस्या पर बहुत अधिक लाभदायक होई थरक आपण को केवल तीन रु चार लवंगर आवश्यकता पड़े। ध्यान रखिए एथिपाई आपण जो लवंग ने फुलवाला होता आवश्यक। जदि आपण लवंग तेल अच्छी तेब से आपण यह रिमेडी बनई पारे। अल्प लवंग गुंड बनवा बहुत कष्ट होई से लवंग को अल्प भाजी निदी आपण तहार गुंड बनइबे तेबे ताहा बहुत भल भाव गुंड हो जाए। अल्प भाजवाक देखु मु लवंग गुंड से ही उपाय प्रस्तुत कर रखी। एवं आपण ए चमच पा मिसाई 10-15 मिनिट पर्यंत सेमती रहा दिंतु। यही प्रकार आपण को जो लिक्विड मिल कौन तेलठू कम नुहे। जदि आपणकर दांतरे बहुत अधिक जंत्रणा अच्छी जदि आपणकर दांतरे ब्याक्टेरिया उत्पन्न होती तेब आपण यह लगातु देखिए आपण को तुरंत आराम मिल। जदि आपणकर दांत बहुत अधिक बिंधा होती ब्याक्टेरिया कारण आपणकर दांतरे गाढ़ा हो जाए तेब आपण यह एक तुलार नहीं से ही जगह अध घंटा पर्यंत दबे रखु। एतिक समय मध्य आपणकर कौन प्रकार दांत बिंधा हो तुरंत शांत हो पेनक्लीयर खाइबू बहुगुण यह आपण भल हो दातर दबे रखा द्वारा आपणकर पटी लाल बनपे आपण ताे अध घंटा पर्यंत दातर निहाती दबे रखु। यह रखा समय आपण कि भी खातु ना कि पियंतु ना देखिए आपण को तुरंत आराम मिल। आपण को आउ एक रिमेडी बनवा सिखाइबे। जदि थंडा गरम कारण आपणकर दांत बिंदु अच्छी कौन सी प्रकार दांत जनित समस्या ना तथापि जदि आपणकर दांत बिंदु अच्छी तेब आपण यह रिमेडी निहाती ट्राए करूँ। एथिपाई आपण को फिटिकरी चूर्णर आवश्यकता पड़े। एथिपाई आपण को शुद्ध फिटिकरी आवश्यकता पड़े। दाढ़ी सेविंग वाला फिटिकरी आपण ए प्रयोग करूँ ना कारण से केमिकल्स मिसी थाए। ओरिजिनल फिटिकरी आपण को कौन सी भी पुटुले बणिया दुकान बहुत सहजरे मिल जा। देखु छोट खंड फिटिकरी को मु गुंड कर रखी। थरक आपण को केवल दुई चिमुटा फिटिकरी आवश्यकता पड़े। द्वितीय जिनस आपण एशातु सोरिष तेल। दात जनित किंबा पाटी जनित समस्त समस्या पर सोरिष तेल सबुठ बेस्ट अटे। आपण ए चा चमचे एक चमच सोरिष तेल मिशातु। एवं आपण यह दुईट सामग्री को भल भाव मिशातु। देखु आमर यह दुईट सामग्री भल भाव मिसीगला। आपण चाहिए यह 5-7 मिनिट यहीपरी मिसई रखिपारे तापर आपण यार व्यवहार करें। याभेटी कारण कि थंडा गरम कारण जदि आपणकर दांत बिंधु अच्छी तेब आपण यार प्रयोग करूँ। आपण यह तुला लगे दांत बिंधुवा जगह दबे रखु अध घंटा पर्यंत दबे रखु। छिप बाहर फेंगी दिंतु अध घंटा पर आपण अधा ग्लास उषुम पा चिमुटाई फिटिकर चूर्ण पकई कुली करूँ। एवं जाणी जो मान संपूर्ण दांत बिंधु अच्छी से प्रयोग किपर करेंगे से ब्रश सहायतार नहीं संपूर्ण दातर 2 मिनिट पर्यंत धीरे धीरे ब्रश करूँ। तापर आपण नॉर्मल पानी रे कुली करूँ। आपण यह रिमेडी को दिने छड़ा दिने कम रु कम 4-5 दिन पर्यंत यूज करूँ। माने सप्ताह रे 3 थर आपण यार व्यवहार निहाती करूँ।
3-4 आपण यार व्यवहार कलापर आपे आपे आपण को एथिरु फरक देखिबा को मिलिबा। सेंसिटिविटी एवं कैविटी भली समस्या संपूर्ण भल होइजिबा। टीथ पेन बा पायरिया भली समस्या जदि आपणकर अछि तबे चिमुटाई फिटिकरी चूर्ण आधा ग्लास उषुम पानी मिसाई प्रतिदिन थरे निहाती कुली करंतु। देखिबे आपण को बहुत फायदा मिलिबा। जो मानकर माढ़ी रक्त पड़ी थाए बा पाटी रे घा हुई जाए बा पायरिया कारण माढ़ी फुली जाए सेमाने एही तृतीय एवं शेष रेमेडीटी को निहाती ट्राए करंतु। कारण धीरे धीरे एही समस्या एते भयंकर हो जाए जे आपण खाद्य खाइबा समय रे मध्य माढ़ी रक्त बाहरी थाए एवं बहुत अधिक माढ़ी रे कष्ट होई थाए। सेथिपाई आपण एही सिंपल रेमेडीटी को निहाती ट्राए करंतु। एहार प्रयोग द्वारा मला पर्यंत आपणकर दांत झड़िबा नाही। प्रथमे आपण अधा चमचर कम लुण नियंतु एवं सेथिरे अधा चमच हळदी गुंड मिसांतु। एबे एथिरे अल्प सोरिष तेल मिसांतु। सोरिष तेल माढ़ी पाई बेस्ट अटे। एबे आपण एही तीनोटी सामग्री को भल भाव मिक्स कर दिंतु। प्रतिदिन सकाळु आपण जेबे ब्रश करिथांती एहाकु नै निज आंगुली सहायता रे पूरा माढ़ी रे मालिश करंतु। सप्ताहक पाई आपण एथिरे माढ़ी मालिश करंतु। आपण को फरक देखिबा को मिलिबा। धीरे धीरे 2-3 मिनिट पर्यंत आपण एथिरे निज माढ़ीर मालिश करंतु। तापर आपण उषुम पानी रे कुली करंतु। देखिबे आपण को बहुत भल फायदा मिलिबा। किसी दिन पर सप्ताह केवल 2-3 दिन यार प्रयोग कले भी चलिबा। हेले आपण यार निहाती थरे यूज कर देखंतु। देखिबे आपणकर दांत एवं माढ़ी संबंधित कौन सी समस्या रहिबा नाही एवं आपणकर पायरिया भली समस्या मध्य दूर हो। तेबे आपण को ये भिडियोटी किपरि लगला आमको निश्चय कमेंट कर जनातु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।